सब्सक्राइब कीजिए सेफ्टी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिर्फ टेक्निकल। दोस्तों आज के हम वीडियो में यह बताएंगे आपको कि इलेक्ट्रिक पैड बोर्ड पर नाम कैसे लिखें, और ये भी दोस्तों बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक पैड बोर्ड पर अगर नाम डिलीट कर देते हैं तो उसको दोबारा कैसे लिखें, और ये भी बताऊंगा कि उसमें मान लीजिए कि आप नाम लिख रहे हैं उसमें गलती हो जाता है तो दोबारा कैसे सुधारें, और ये भी बताऊंगा कि अगर आपका नाम लिखा हुआ है वह यानी मूविंग नहीं चल रहा है, यानी आपका मान लीजिए नाम लिख दिए इलेक्ट्रिक पैड बोर्ड में तो उसमें एक बार चल जा रहा है दोबारा नहीं आ रहा है, आप समझ गए होंगे, तो वो भी बताऊंगा आपको। और इस वीडियो में सारा आपका डाउट लगभग क्लियर करूंगा, क्योंकि कुछ लोग कमेंट किए हुए हैं कि नाम मैं लिख दे रहा हूँ गलती होता है तो उसे कैसे डिलीट कर लिखें, और मेरे और कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि मैं नाम लिख रहा हूँ तो वो दोबारा नाम नहीं आ रहा है, यानी एक बार में लिखते हैं और इंटर करते हैं तो चल जाता है, उसके बाद दोबारा नहीं आता है, यानी मूविंग नहीं करता है बार बार। जैसे देखे होंगे कि मान लीजिए एक बार नाम लिख दिया तो उसके बाद दोबारा यानी मूविंग करता है यानी चलता रहता है, तो वो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं यही क्लियर करूंगा और आपको सारा डाउट क्लियर करूंगा लगभग। तो देखिए दोस्तों यही है इलेक्ट्रिक पैड बोर्ड मेरा, और इसी पर मैं आपको नाम लिख कर दिखाऊंगा। तो दोस्तों आपने बोर्ड तो देख ही लिया कि कैसा है, और मैं इसी पर लिख कर आपको दिखाऊंगा कि आपको नाम कैसे लिखना है और सुधारना है और मूविंग कैसे करेगा नाम बार बार। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम होल्डर प्रजापति, आप देख रहे हैं सिर्फ टेक्निकल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों जो यह नाम चल रहा है यानी लगातार चल रहा है यानी लगातार मूविंग कर रहा है, तो यही कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि यह इसमें यह प्रॉब्लम है, मैं नाम लिख दे रहा हूँ तो यह बार बार नहीं आ रहा है, तो मैं बता दूँ कि क्या गलती करते हैं वो। तो चलिए देखिए यह मेरा कीबोर्ड है, और यहाँ पर देखेंगे कि F9 और इंसर्ट बटन कहाँ है, तो यहाँ है इंसर्ट बटन, उसके बाद यहाँ है F9 बटन। तो F9 बटन को हम क्लिक करेंगे तो हमारा बोर्ड पैसा लिख देगा, उसके बाद फिर से उसी वक्त क्लिक करना है आपको इंसर्ट बटन, क्या इंसर्ट बटन। तो देखिए इस तरह आपके बोर्ड पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि हम इस कर्सर को आया करते हैं, देखिए कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है आप देख ही रहेंगे, देखिए इस पर देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मैं आया कर रहा हूँ इस बटन से, इस बटन से आगे पाछे कर सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैं कर्सर से आगे कर दे रहा हूँ। अब बताइए मान लीजिए कि यहाँ पर मैं गलती, देखिए आपको बताता हूँ गलती लोग क्या करते हैं। सबसे पहले इस नाम को हम डिलीट करते हैं इस डिलीट बटन से, यहाँ पर डिलीट बटन है आप देख ही रहेंगे, यहाँ पर हम डिलीट कर देंगे, इससे लगातार इसको टिपे रहिए ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सारा ख़त्म कर दिया, आगे कोड है, और यहाँ पर कोड देख लीजिए कोस्ट में FH है, उसके बाद B4, ठीक है। FH मतलब आपका हिंदी हो जाएगा, तो हम इस कोड को बदलते हैं, ठीक है। इस बटन से फिर इसे दाएं लाएंगे, देखिए यहाँ पर FH पर, तो हम इसको H को हटा देंगे, यहाँ क्या कर देंगे FF, यहाँ पर देखिए मैंने कर दिया FF, उसके बाद यहाँ पर अब इंग्लिश में नाम लिखाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मान लीजिए कोई भी नाम लिखता हूँ, जैसे हो गया राहुल, ठीक है राहुल मैंने लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, इंटर कर देंगे, इस तरह आ जाएगा। उसके बाद F12 से बटन से चालू कर देंगे, देखिए चालू हो गया, तो जो यह नाम चालू हुआ है अब एक बार जाएगा, देखिए जा रहा है, दोबारा नहीं आएगा, क्या दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि यही लोग गलती करते हैं। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ क्या गलती करते हैं, मैं लाता हूँ फिर से, देखिए दोबारा नहीं आ रहा है ना, आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको फिर से F9 बटन को, इंसर्ट बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कोड आ जाएगा, क्या आ जाएगा कोड। तो देखिए दोस्तों अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जब कोड सारा हट गया है जो पहले था दो था आगे, ठीक है, लास्ट वाला कोड FX दिखा रहा है, ठीक है। और यही कोड जो होता है नहीं लास्ट में लोग लिखते हैं, मैं दिखा रहा हूँ कैसे आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जब F1 से हम कोस्ट बना लेंगे, देखिए बन गया कोस्ट, एक और बन गया, इसमें लिखाएगा FF, हमने लिख दिया FF, उसके बाद कर्सर को कोस्ट से बाहर निकालिए, उसके बाद फिर F1 से एक कोस्ट बनाइए, उसके बाद इस कोस्ट में लिखिए B4, ठीक है हमने लिख दिया B4। उसके बाद देखिए इसको हटाते हैं, मैं आपको ठीक सही से समझा दूँ,
ये इस कोड का हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब एफ क्वेश्चन में डबल एफ लिखेंगे, दूसरे क्वेश्चन में बिफोर लिखेंगे, उसके बाद आपका जो भी मैटर हो, नाम हो, दुकान का नाम हो, या कोई भी नाम है, या मोबाइल नंबर, कोई भी चीज़ लिखना हो, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ राहुल, राहुल मैंने लिख दिया, उसके बाद लिख दिया मैं सीता, ठीक है, उसके बाद लिख दिया मैं गीता, ठीक है। तो मैंने नाम लिख दिया, उसके बाद आप देखिए यहाँ से इंटरलॉक मारते हैं, यहाँ पर लास्ट में कोड रहता है, क्या रहता है, कोड, जो कि मैंने बताया अभी एफएक्स कोड है जो कि शुरू में था, तो वह आपका जब ये गलती करते हैं तो शुरू में आता है, और जो दो डबल डबल एफ कोस्ट में आप बी फोर रहता है वो हट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कोस्ट एफ वन से बना लेंगे, यहाँ लिखेंगे कोस्ट में बी एफ एक्स मैंने कोड में लिख दिया, उसके बाद कर्सर को बाहर निकाल दिया, उसके बाद हम अब यहाँ से इंटर बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद उसी वक्त एफ 12 से चालू कर लेगा आपका माइटर। तो देखिए अब यह जो माइटर है लगातार चलेगा, क्या चलेगा, लगातार, देखिए देखिए चल रहा है आपका यह माइटर, अब रुकेगा नहीं, ठीक है। थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको सही से इस वीडियो में समझ में आ जाएगा, जितना भी आपका डाउट क्लियर है मैं बता दूं कि आपका क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों इस नाम में सुधार करना है या नाम में इस नाम में और जोड़ना है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर फिर से आप कीबोर्ड में जाइए, देखिए यह लगातार चल रहा है, आपने यह देख लिया, क्लियर हो गया। उसके बाद फिर आप अपने कीबोर्ड में आइए, कीबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर F9 बटन को और इंसर्ट बटन को उसी वक्त प्रेस करिए, ठीक है। तो देखिए सारा कोड आपका फिर से वहीं आ गया जो जहाँ पर आप नाम लिख रहे थे। तो कर्सर को बाहर लाइए, जहाँ भी लिखना है, यहाँ आगे लिखना हो या आपको मान लीजिए पाछे लिखना हो तो कर्सर को वहीं पर ले जाइए जिसे गीता के बगल में लिखना हो, ठीक है। तो फिर से एक डॉट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया, सॉरी, जो यह कोड है लास्ट में, इस कोड के और बिफोर कोड के बीच में माइटर आपका रहेगा, ठीक है। तो मैंने कोड को नहीं हटाया, अब इसी के मैं बीच में लिख रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए डेट ही लिख दिया, ठीक है, मान लीजिए डेट, ठीक है, मैंने डेट लिख दिया, उसके बाद एक मान लीजिए लाइन दे दिया, सॉरी यहाँ पर हमने लाइन दे दिया, उसके बाद मान लीजिए लिख दिया कोई भी डेट हो 22 सुबह स्लैश 04, उसके बाद स्लैश शिफ्ट के साथ स्लैश आएगा, ठीक है। यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद स्लैश, ठीक है, तो यहाँ पर स्लैश आएगा, ठीक है। हम हटा देते हैं बैक बटन से, इस स्लैश को दो लिखा गया आपको समझाने में। उसके बाद यहाँ पर 20 लिखेंगे, 2020 यानी 2020। तो देखिए दोस्तों हमने डेट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से हम इस कर्सर को बाहर लाएंगे, उसके बाद यहाँ से इंटर बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर जो इंटर है इंटर F12 से फिर से चालू कर लेंगे, इंटर उसी वक्त F12 बटन को प्रेस करेंगे, पहले इंटर को उसके बाद F12 को बटन को प्रेस करेंगे तो आपका माइटर चलने लगेगा। देखिए अब इसमें डेट भी दिखाएगा, क्या दिखाएगा, डेट, देखिए इसमें डेट दिखाने लगा, ठीक है। मान लीजिए कोई भूल जाते हैं डेट लिखना या मोबाइल नंबर लिखना या कोई भी चीज़, उसको सुधार कर फिर से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि नाम में गलती हो गया तो उसी वैसा ही सुधारना है आपको, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए और एक नाम जोड़ना है तो वैसा ही सेम करना है जैसे मैंने डेट को किया, ठीक है। तो मैं एक नाम ही बता देता हूँ लिखकर, ठीक है। तो यहाँ पर हम आएंगे F9 इंसर्ट, तो आपका मैटर ऐसा आ गया, ठीक है। मान लीजिए आपका एक आगे नाम जोड़ना है फिर से, ठीक है, मैं यहीं पर एक नाम और जोड़ देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए जोड़ देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया पूजा, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया पूजा, ठीक है। देखिए मैंने पूजा नाम लिख दिया, उसके बाद एक इसको थोड़ा पास में यहाँ पर एक चिन्ह, देखिए यहाँ पर एक चिन्ह देते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए पूजा मैंने जोड़ दिया। तो यहाँ पर जब कर्सर जो आपका ब्लिंक कर रहा है, एक बार ऐसे भी आपको ट्राई करके दिखाता हूँ, ठीक है, बीच में कर्सर है, उसके बाद यहाँ पर इंटर बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद एक बार से चालू कर देंगे तो आपका फिर से वैसा ही दिखाने लगेगा। आपको कर्सर को बाहर नहीं निकालना है, आप उन्हें मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे आप देखिए और सीखिए कि कैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यह नाम जो है लगातार चल रहा है, सॉरी लगातार चल रहा है, ठीक है, लगातार लगातार, देखिए पूजा भी इसमें नाम जुड़ गया है, ठीक है, तो लगातार चल रहा है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं बता दूं दोस्तों कि इसमें मान लीजिए कि आपका नाम सारा डिलीट हो गया और इंटर और F9 से चालू कर लीजिए नाम आप डिलीट कर, तो कैसे क्या रिएक्ट होता है देखिए। जैसे कि मैं अपने कीबोर्ड में जाता हूँ, यहाँ पर F9 इंसर्ट, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए मैं इस नाम को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए डिलीट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर मैं डिलीट को बटन से डिलीट कर दिया, ठीक है।
उसके बाद कभी ये भी कोड हमसे डिलीट हो गया डिलीट करने में, ठीक है, आपको कोड याद रहना चाहिए सारा, ठीक है, तो कोड आप याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इंटर और एफ़ 12 से चालू कर लिया, तो यहाँ पर वेलकम तो दिखा दिया और माइटर जो है कुछ नहीं आ रहा है, तो इसको कैसे हम फिर से लाएंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिर से अपने कीबोर्ड में जाना है, यहाँ पर F9 इंसर्ट बटन को प्रेस करना है, क्या करना है, प्रेस करना है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है फिर से आपका कोड जो शुरू हुआ था FFB4 वह हट गया, लास्ट वाला कोड जो है FX दिखा रहा है। तो यहाँ पर फिर से वो कोड लिखेंगे, F12 से हम कुछ बना लेंगे FFF, फिर कर्सर को बाहर करेंगे कुछ से, उसके बाद फिर F1 से बना लेंगे कुछ, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे फिर से B4, ठीक है, B4 फिर से यहाँ से लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पर फिर से अगर यह कोड जो लास्ट में है नहीं आपको मान लीजिए हटाना है, मान लीजिए हमने स्पेस दिया, यहाँ पर नाम कोई भी लिख दीजिए मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर नाम लिखिए या मोबाइल नंबर लिखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर लिख दिखा रहा हूँ, पहले मान लीजिए कि लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया कोई भी पूजा इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, देखिए मैंने पूजा इलेक्ट्रॉनिक लिख दिया, ठीक है। मान लीजिए आप कोई भी शॉप है, यहाँ पर हम लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए ये कर्सर जो है हमारा उधर चल गया, ठीक है, थोड़ा इसको इधर ला देते हैं। देखिए कोस्ट के अंदर रहना चाहिए, यानी FX के पाछे रहना चाहिए आपका जो भी मैटर लिखना हो, ठीक है। यहाँ पर लिखेगा हम मोबाइल नंबर, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया MOB, यहाँ पर कुछ डॉट इस तरह शॉर्टकट दे देंगे, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल कोई भी मोबाइल नंबर लिख दिया, जैसे कि 92 97 78 223, जैसे कि मेरे यह बहुत पहले का नंबर था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया, अब आपका ये भी मत डरिए कि कर्सर आपका अंदर रहेगा तो मैटर मान लीजिए इंटर करेंगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं, मैंने पहले भी बताया आपका कर्सर अंदर है या बाहर है कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आपका कोड जो है लास्ट में फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर F12 फिर से उसी वक्त इंटर उस F12 से चालू करेंगे, इंटर उसके बाद F12 से चालू कर लेंगे अपना मैटर। तो देखिए दिखा रहा है पूजा इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर दिखा रहा है मोबाइल नंबर जो भी आपका है 9279078223, यहाँ पर दिखा रहा है और लगातार चल रहा है, क्या चल रहा है, लगातार। तो मेरा यह जो है आपको मैंने सही से समझा दिया और बहुत अच्छा लगा मुझे समझाने के लिए, और आप कमेंट में बताइएगा जरूर, और इलेक्ट्रिक पैड बोर्ड के बारे में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। एक बात दोस्तों यहाँ पर मैं और एक क्लियर कर दूँ, जब भी आप माइटर लिख रहे हैं आपका मान लीजिए कि पावर कट हो गया बोर्ड में से, तो जो भी आपका पहले का माइटर है फिर से वो आ जाएगा, जितना आप मेहनत किए रहेंगे वो हट जाएगा, ठीक है। तो आप जो पावर दे रहे हैं जिस बोर्ड में खोस रहे हैं इस बोर्ड का प्लग, उस बोर्ड में सही से खोसे और सही से उसका पावर दे कि कहीं हिल डुल कर यानी मूविंग कर वो आपका पावर बोर्ड में से कट ना हो, यानी दोबारा फिर से मेहनत कर। तो दोस्तों इस इलेक्ट्रिक पैड बोर्ड पर नाम लिखना क्या आप सीख गए? तो दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी इस इलेक्ट्रिक पैड बोर्ड के बारे में नाम लिखने के लिए, तो आप कमेंट में बताइएगा जरूर, ठीक है, कमेंट में, ठीक है। और वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यार आप सपोर्ट करते रहिए कि मैं और से अच्छे अच्छे वीडियो मैं कंटेंट बनाऊँ और आपके लिए मैं ऐसे ही काम करते रहूँ। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स।